पहले पक्का हो गए हम जी। हम हो गए 20 साल हो गए कच्चे में, आज तक पक्के नहीं हो पाए, ना हमारे बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं। हमारे बुजुर्ग लड़ाई मिट हो जाते हैं, उनको पेंशन तक नहीं मिलती, और उनको बच्चों सोचते एंड में पैसा मिलेगा और बच्चों की शादी करेंगे, ब्याह करेंगे, उनको कुछ नहीं मिलता। दो दो साल होते पैसे नहीं मिल पाया उनको आज तक भी। बताइए हम क्या करें, बच्चों को कैसे पढ़ा लेंगे, क्या आगे बच्चों को लिखाएंगे पढ़ाएंगे कैसे, पक्के नहीं हो पा रहे, ना कैसे राशन कार्ड मिल पा रहा, हम काम करते करते मर जाते हैं। अजी सफाई में जब गटर के अंदर घुसोगे तो आदमी मरेगा, गैस के उसके अंदर है गंदगी के कारण। गंदगी का काम हम करते हैं, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं सफाई लेकर झाड़ू लेकर हाथ में सफाई दिखा देते हैं, लेकिन सफाई करने से नहीं होती, दिखाने से करने से होती है। टट्टी उठा के देखा कुत्ता मरा हुआ, कीड़े पड़े होते हैं उसे हम डाते हैं, तो उसकी गंदगी कौन हमारे अंदर घुसेगी, नहीं घुसेगी, वो मरेंगे हम मरेंगे, सबसे पहले हम मरेंगे, हमारे मजदूर मरेंगे सारी, सबसे ज़्यादा हमारे कास्ट के मजदूर के अंदर बेवा सबसे ज़्यादा हमारे अंदर है, क्योंकि उनके आदमी काम करते करते मर जाते हैं और बेचारी रहती हैं, छोटे छोटे बच्चे रहे उनके, पाल कैसे पालेंगे, पक्के भी नहीं हो पा रहे, वो क्या करेंगे ज़िंदगी में, बच्चे कैसे पढ़ा लेंगे, 10-12 हज़ार रुपये तन सैलरी मिले उसमें कट जाती है, क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं उनमें, कुछ नहीं कर सकते। ये सरकार की गलती है, मोदी केजरीवाल सब हम तो नहीं मानेंगे सबको, कि हमारी सैलरी नहीं मिलेगी टाइम पे, हमें कुछ भुगतान हमारा कुछ नहीं मिलेगा टाइम पे, कुछ कपड़ा नहीं मिलेगा, बरसात में काम करते हैं उसके लिए हमें कुछ साधन नहीं मिलेगा, बताओ क्या करेंगे हम।